बच्चों कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा आठवीं में पाठ पहला ध्वनि दोबारा से अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। जो बच्चे पहले रह गए थे, इस पाठ से वंचित रह गए थे, उनको मैं दोबारा से इस पाठ को मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। पहला पाठ है ध्वनि। ध्वनि है एक आवाज। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी गीत तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, तब यहाँ पर कवि कहता है अपने आत्मविश्वास के साथ में आलोचकों को उत्तर देते हुए कहता है कि अभी मेरे कवि रूपी जीवन का अंत होने वाला नहीं है। इसका कारण बताते हुए कवि कहता है कि उसके जीवन रूपी उपवन में नए वे कोमल, मृदुल मतलब होता है कोमल, बसंत का आगमन हुआ है। बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। हरे हरे ये पार डालियां कलियां कोमल बार, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पर कवि कहता है कि बसंत के आने पर पेड़ पौधों में हरी भरी डालियां व कलियां खिलने से उनकी कोमलता बढ़ गई है, उनकी सुंदरता बढ़ गई है। अर्थात पत्ते कलियों में डालियों के अभाव में ये पेड़ पौधे कितने कठोर लग रहे हैं। अब ये पेड़ पौधे कोमल शरीर वाले हो गए हैं। रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्निल कोमल हाथों को फेरना चाहता है। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए एक नए प्रभात मतलब होता सुबह का संदेश देना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा, तंद्रालस होता है नींद से अलसाया हुआ, लालसा हमारे को इच्छा, खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत सहस, खींच लूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे लिए जहां अनंत। अभी ना होगा मेरा अंत। यहां पर कवि कहता है कि एक फूल से मैं अगस्त को खींच लूंगा। अर्थात कवि प्रत्येक आलसी युवक के मन से आलस्य में निराशा की भावना को दूर करके उसके मन में नए जीवन का अमृत भर देना चाहता है। तथा संसार में अमर की तरह जीवन का एक संचार करना चाहता है। तो सभी को यह इस पाठ के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर इसके बाद में पीडीएफ भेज रहा हूँ, तो उस पीडीएफ को भी आप पेयर कॉपी में लिखें। पेयर कॉपी में इनके प्रश्नोत्तर है, इसकी जो व्याख्याएं हैं, इसके कठिन शब्द हैं और इसके प्रश्नोत्तर हैं, और उसको पीडीएफ के द्वारा पेयर कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।